अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही बेसिक सी वीडियो है। फेस की केयर के बारे में हम बात करेंगे। फेस की टोटल, अपने फेस की अच्छी केयर करने के लिए, फेस को ग्लो देने के लिए, फेस को सॉफ्ट बनाने के लिए, फेस को स्मूथ बनाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? तो तीन स्टेप्स में हमारी फेस की केयर होती है। एक तो हमारी होती है डेली केयर, एक होती है हमारी वीकली केयर और एक होती है हमारी मंथली केयर। तो डेली केयर के अंदर सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी आप रेगुलर में बहुत ज़्यादा पिए, जितना पानी पिएंगे आपकी स्किन अच्छी होगी। तो आप डेली कर ही सकते हैं कि डेली उठकर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, और आप हेल्दी ग़िज़ा खाएँ वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर तो बहुत सारी बात की जा सकती है। अब हम बात कर रहे थे कि हम अपनी केयर करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो कि मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और कुछ होम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम अपनी रेगुलर ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी स्किन है बहुत अच्छी हो जाए। जिनकी अच्छी है, नॉर्मल है, वो और अच्छी हो जाएगी, और जिनकी नहीं भी अच्छी है तो वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। मेरी स्किन के साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो चुका था। मैंने एक फेशियल कराया था, मैंने फेशियल कराया था और एक पार्लर से मेरी स्किन पर रिएक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन जब मैंने ये स्टेप्स फॉलो करना शुरू करे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली, कुछ उनमें से बहुत अच्छे फॉलो करती हूँ मैं, कुछ मुझे टाइम भी नहीं मिलता और सभी के, लेकिन साथ ऐसा होता होगा, तो बहरहाल आप अच्छी तरीके से अपनी स्किन को दोबारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वाटर हो गया आपका, फिर नंबर टू आपका हो गया एक अच्छा सा फेस वॉश। आप ज़िंदगी में अच्छा सा यूज़ करें जो कि आपको इंस्टेंटली ग्लो एकदम देता है, आपकी स्किन से डर्ट वगैरह को जो आप लोग बाहर से आते हैं वो साफ़ कर लेते हैं। प्लस फेस वॉश कर लिया, ठीक है, आपने मुंह धो लिया। अब इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बारे में मैं पहले इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। ओह माय गॉड, शुक्र बोल दिया मैंने, सीरियस नहीं थी। लेकिन अभी मैंने बहुत अरसे से जब इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और वाकई मुझे अपनी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया है। और स्किन, आप लोग जब भी मुंह धो, जब भी मुंह धो, चाहे किसी भी टाइप की स्किन है, प्लीज़ गाइज आप लोग मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ किया करें। मॉइस्चराइज़र कोई भी हो सकता है, नेविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है, हिमालय की सॉफ्ट क्रीम है, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र है आजकल। एनीवेज, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप मेकअप करती हैं, आपकी कोई ऐसी जॉब है या आप रोज़ाना मेकअप को अप्लाई अपने फेस पर करती हैं, आपकी कोई ऐसी जॉब है, किसी ऐसी जगह आप जाती हैं जहाँ आपको मेकअप लाजमी करना है और बहुत बहुत मेकअप करना है, तो फिर आपको ज़रूरी है, यू मस्ट रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप। यानी कि आपको सोने से पहले ज़रूर ज़रूर अपना जो है मेकअप रिमूव करना चाहिए। बगैर मेकअप रिमूव करे हुए आपको कभी भी नहीं सोना। कभी भी नहीं सोना का मतलब कभी भी नहीं सोना, चाहे कितनी भी जल्दी में हो, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो, कितनी भी टाइटनेस हो जाती है, शादी में से आते हैं, बहुत सारा बेस भी लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो रही होती है, लेकिन आपको अपना मेकअप जो है वो रिमूव लाजमी करना ही करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा नंबर फोर जो डेली रूटीन का स्टेप है वो है क्लिनजिंग। आप मेकअप रिमूव जब कर बात करेंगे नंबर फोर स्टेप की, जो है कि क्लिनजिंग आप डेली बेसिस पे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जब आप मेकअप रिमूविंग रूटीन फॉलो कर रही होंगी तो उस टाइम पर आप अपनी क्लिनजिंग को भी शामिल करके मज़ीद अपना मेकअप जो है वो रिमूव करेंगी, और जब फेस वॉश करेंगी और फिर मॉइस्चराइजर लगा सोएंगी तो वो आपकी कंप्लीट क्लिनजिंग रूटीन रोज़ाना आ जाएगी। तो क्लिनजिंग डेली बेसिस पे यूज़ करनी चाहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, अब जो है, अब प्रोडक्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और किन किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए, किस किस तरह यूज़ करना चाहिए, उस पर मैं मज़ीद जो है वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मैं आपके लिए, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स के लिए लेकर आऊँगी। तो उसके लिए तो आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक भी देना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ और कॉमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा वीकली केयर, हाँ, अब सेकंड है वीकली केयर। वीकली केयर के अंदर आपके आती है स्क्रबिंग। स्क्रब आपको वीक में एक दफ़ा करना है, रोज़ाना स्क्रब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी टाइप की स्किन को। नॉर्मल स्किन है आपकी, तब भी आप वीक में एक ही दफ़ा स्क्रब करें, ठीक है। और जिनकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो वो तो 12 to 15 डेज में एक दफ़ा स्क्रब किया करें। और जिनकी एक्नी वाली स्किन है, लाइक एक्टिव स्किन है, तो प्लीज़ वो स्क्रब यूज़ ना करें, स्क्रब उनके लिए नहीं है। और जिनको ये खतरा होता है कि हमारी स्किन से जल्दी जल्दी दाने निकल जाते हैं, क्यों दाने निकलते हैं,
तो वो ज़रा नोटिस करें कि वो स्क्रब तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे अपनी रूटीन में। तो आप अगर ऐसा कर रही हैं तो स्क्रब को अपने वीक में एक दफ़ा करें। और नॉर्मल स्किन वाले जिनकी स्किन पर सभी कुछ चलता है, उनकी स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो भी हफ्ते में 7 डेज में एक दफ़ा, 7 दिन में एक दफ़ा आपको जो है स्क्रब यूज़ करना है। स्क्रब आपकी स्किन की ज़ाहिर सी बात है डेड स्किन को निकालता है, और जब आप स्क्रब अपनी नोज़ पे करते हैं तो नोज़ के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और इजीली हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप हमारा वीकली में, वीक में एक दफ़ा होगा। उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि स्क्रब्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कौन कौन से हैं, और उसमें मैं एक रूटीन एक अपनी वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सा स्क्रब यूज़ करती हूँ और बेस्ट स्क्रब कौन सा है, और आजकल मैं कौन सी चीज़ें स्क्रब में स्क्रब के लिहाज से क्या ले लूँ, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक हो गया। और जब आप स्क्रब करेंगे तो साथ ही साथ आप अपने ब्लैक हेड्स भी रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी आपका वीक में एक दफ़ा करना है। उसको रोज़ाना अपनी नोज़ पर आपको अपनी पिंस को करके, वो जो आती है पिन, उससे यूज़ करके रोज़ाना, ज़रूरत नहीं है कि ब्लैक हेड्स रोज़ निकल रहे हैं। वो रोज़ ही नोज़ आपकी लाल हो जाती है, फिर वो लाल होकर जो वो एक स्पॉट सा छोड़ देती है, कहीं से वो ब्लू भी हो जाती है थोड़ी सी। तो रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टेप हफ्ते में एक दफ़ा करें, और वो भी रात के टाइम पे, ताकि सो के सब सुबह उठें तो आपके नोज़ पे से जो रेड रेड निशान आ जाते हैं, अब ब्लू ब्लू निशान आ जाते हैं, वो सारे जो है वो चले जाएं। इसके अलावा जी फिर आता है फेस मास्क, यानी फेस पैक। फेस पैक आप बहुत ही कोई फेवरेट पार्ट होता है गर्ल्स का, आई थिंक। जब वो फेस पैक लगा लेती हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाती हैं कि हमने कुछ अपनी स्किन की केयर कर ली, चाहे उन्होंने सारी महीना कोई केयर ना की हो और एक दिन वो फेस पैक लगा लें तो बड़ा मज़ा आता है उनको और सबको। और मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन सी होती है कि हमने कुछ किया, हमने कुछ किया, ठीक है। हफ्ते में एक दफ़ा फेस पैक लाजमी करना चाहिए, लाजमी लाजमी लाजमी। अदरवाइज़ आप फेस पैक को रोज़ाना भी लगा सकते हैं। फेस पैक हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी लाजमी कोई अच्छा सा लगा लिया करें अपनी स्किन के मुताबिक। बहुत सारी फेस पैक्स की जो रेसिपी है वो रेसिपी बहुत सारे फेस पैक की जो रेमिडीज़ हैं वो चैनल पर भी मौजूद होती हूँ। मैं भी लेकर आऊँगी मैं कौन सा फेस पैक ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे किन किन फेस पैक्स ने इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया, तो वो ज़्यादा मैं आपके लिए लेकर आऊँगी चैनल पर, ऑब्वियसली सी बात है। इसके बाद फेस पैक का कोई साइड इफेक्ट ऐसा तो नहीं है, आप हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी कोई फेस पैक लगा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा इट्स वेरी नेसेसरी, राइट। फिर आ गई मंथली केयर। मंथली केयर के अंदर आई थिंक हमें, मैं समझती हूँ मंथली केयर के अंदर एक कंप्लीट फेशियल जिसे कहते हैं वो होता है कि मंथ में एक दफ़ा एक कंप्लीट फेशियल का स्टेप्स आपको ले लेने चाहिए। ख़ास तौर पर जो खवातीन हैं जो मैरिड हैं, लाजमी 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 मंथ में एक दफ़ा फेशियल लेना ही लेना चाहिए। और आप ये फेशियल पार्लर जाके भी ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग पार्लर जाके भी बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के साथ और बहुत महंगे महंगे मतलब फेशियल्स होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिजल्ट्स नहीं होते। तो वो जो लोग डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहे होते, जो लोग जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो लोग ये करते हैं कि फिर वो मंथ में जाके एक दफ़ा पार्लर अच्छा सा फेशियल ले लेते हैं, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं हमने फेशियल ले लिया और हमारी स्किन की रूटीन हो गई या हम अपनी स्किन केयर करते हैं। ओके फाइन, ये भी अच्छा है। बट अगर आप डेली रूटीन वाली स्किन केयर और वीकली रूटीन वाली स्किन केयर आप करते रहेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे फेंक कर फेशियल कराने की मार्केट में जाके, आई मीन पार्लर जाके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप अपना घर पे ही जो फेस फेशियल कर लिया करेंगी, जो बहुत सारे फेशियल्स आजकल आपको पता है मार्केट में मिलते हैं, आप उनको बताएं, वो बहुत अच्छे फेशियल हैं, घर पे हो जाते हैं विदाउट एनी स्टीम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उनमें, सब से हर्बल चीज़ों से फेशियल हो जाते हैं और घर की होम रेमेडीज़, वाह वाह, उस तरह के भी बहुत सारे फेशियल्स हैं जो मैं लेकर आऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल है, उसके बगैर तो शायद मैं नहीं चल सकती, इतना प्यारा फेशियल है। इतना छोटा सा 3-4 चीज़ों में फेशियल वो कंप्लीट हो जाता है और इतना अच्छा कोई रिजल्ट देता है। जब से उसको मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैंने पार्लर जाने ही छोड़ दिया, मैं पार्लर जाती ही नहीं हूँ फेशियल कराने के लिए। वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और तो मंथली फेशियल जो है वो घर पे भी लिया जा सकता है और पार्लर जाके भी लिया जा सकता है। इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ कंफर्टेबल होता है, किस तरह से आप इसको मंथली स्किन केयर को फॉलो करती हैं। और गाइज मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, जो मुझे एकदम से याद आई, मैंने कहा बीच में कर दूँ, वो ये है कि फेस केयर की रूटीन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे हो जाएंगे या गोरे चिट्टे हो रहे हैं या गोरे चिट्टे हैं या होना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट।
बिकॉज़ जो भी कलर आपके पास है, आप गोरे हैं, सांवले हैं या गंदुमी कलर के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी स्किन हेल्दी है, अगर आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा नहीं और आपकी स्किन शाइन करती है, आपकी स्किन साफ़ सुथरी है, तो वो खूबसूरती की अलामत होती है, राइट। तो सबसे पहले तो ये अपने जहन से एक चीज़ निकाल दें कि कलर बहुत ज़्यादा फेयर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फेयर होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा फेयर कलर को ही लोग एक खूबसूरती मानते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फेयर कलर खूबसूरती की अलामत सिर्फ नहीं है, साफ़ सुथरी स्किन होना, अपनी स्किन की केयर करना, अपने कलर के साथ हैप्पी रहना और उसके मुताबिक, अपने कलर के मुताबिक चीज़ों को पहनना और ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना जो आपके कलर पे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करना, वो एक जो है वो फनकारी है। और उसमें अगर आप जो केयर के अंदर बात आती है ब्लीच की भी, आई थिंक ब्लीच क्रीम, ब्लीच हमेशा नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि ब्लीच इतनी करनी चाहिए, मैं इतनी ज़्यादा ब्लीच नहीं करती हूँ। बस क्लिनजिंग और ये मॉइस्चराइजर्स और ये अपना फेस पैक लगा लिया और स्क्रब कर लिया, इन्हीं से स्किन मेरी ग्लो करती है, साफ़ सुथरी रहती है, तो मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं है ब्लीच क्रीम की। और इतनी ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए ब्लीच क्रीम की, बहुत ज़्यादा ब्लीच आप करें नो। और बल्कि टीनेजर्स को तो करनी ही चाहिए ये ब्लीच वगैरह करना, जिनको पसंद है वो महीने में एक दफ़ा ऑब्वियसली फेशियल के साथ उनको पार्लर में मिल जाती है ब्लीच, तो वो उनकी मंथली केयर में आ गई। अदरवाइज़ हम लोग जो घर पे ब्लीच करना पसंद नहीं करते, तीन तीन चार चार पाँच पाँच महीनों में जाके, कोई ओकेशन ऐसा ख़ास आ गया, कोई शादी, भाई की शादी, कज़न की शादी, तो उसमें अगर आप कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ मुझे ब्लीच इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है करना। आई डोंट नो क्यों, हालांकि उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एकदम से आपकी स्किन गोल्डन हो जाती है, और बहुत अच्छी ब्लीच क्रीम्स भी हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं उनके, बट इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी वीडियो मेरी फेस केयर रूटीन के बारे में, जिसमें मैंने आपको डेली केयर, मंथली केयर और वीकली केयर रूटीन्स के स्टेप्स बताए हैं। तो इफ़ यू फॉलो दीज स्टेप्स इन योर लाइफ, सो यू विल सी द वेरी ह्यूज डिफरेंस इन योर स्किन। एंड नाउ द वीडियो हैज़ स्टॉप, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत बोर हो रहे होंगे आप लोग। और डेफिनेटली आई विल कम विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू ट्यूटोरियल्स। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।